बाहरी राज्यों के खरीदार सीधे बागवानों से खरीद सकेंगे सेब, आढ़तियों का एकाधिकार होगा खत्म। हिमाचल की फल मंडियों में बाहरी राज्यों के लदानी खरीदार भी सीधे बागवानों से सेब की खरीद कर सकेंगे। सरकार मंडियों में आढ़तियों का एकाधिकार खत्म करने जा रही है। लदानियों को मंडियों में दुकानें उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग 20 जुलाई से पहले घोषित करेगा परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर पसंदीदा विभागों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना, हिमाचल में सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर गोद लेंगे सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। 3 विधानसभा उपचुनाव निपटने के बाद प्रदेश में अपना विद्यालय कार्यक्रम योजना लागू होगी। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के उद्देश्य से हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। आपदा से निपटने की तैयारी, 22,732 युवा और मिस्त्री राहत के लिए तैयार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA ने सभी 12 जिलों में 19,618 युवाओं को सेना, SDRF, पुलिस, वन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने 15 दिन के शिविर में प्रशिक्षण दिया है। अग्निवीर पर राहुल गांधी, राजनाथ सिंह मठनी, सेना के स्पष्टीकरण के बाद रक्षा मंत्री ने कही ये बात। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में निचली सदन में दावा किया था कि कुमार के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। पहली बहस के बाद ट्रंप ने बाइडेन पर बनाई बढ़त, डेमोक्रेट पार्टी में उठी उम्मीदवार बदलने की मांग। बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेट पार्टी में ही उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटाने की मांग उठने लगी है। पहले भी ये चर्चा थी लेकिन बहस के बाद इसे लेकर स्वर तेज होने लगे हैं। पिता डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी लड़ाई पर आखिरकार इवांका ने तोड़ी चुप्पी, रोते हुए मां को किया याद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में एक सेक्स स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसों का भुगतान किया था। इसी मामले पर अब इवांका ने बात की। भाजपा के पत्ते देख अपने प्रत्याशी तय करेगी सपा, विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। सपा के लिए सबसे अहम सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट को जीतना सपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। मिल्कीपुर से सांसद और विदेश प्रसाद के बेटे अजीत भी टिकट के दावेदार हैं। चैंपियन इंडिया का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, PM 11 बजे करेंगे खिलाड़ियों से मुलाकात। भारतीय टीम गुरुवार को सुबह 6 बजे बारबाडोस से नई दिल्ली पहुंची। पता हो कि भारतीय खिलाड़ी ब्रिजटाउन में हरिकेन बेरिल चक्रवात के कारण 3 दिन तक फंसे हुए थे। भारतीय स्टाफ को बुधवार को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए देश लाया गया। जिम्बाब्वे दौरे पर इन युवा खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। भारत को मिलेंगे रोहित विराट के विकल्प। युवा सितारों से सजी टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। टीम इंडिया यहां 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्हें देश का भविष्य माना जा रहा है और जिन्होंने हाल के समय में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में धमाल मचाया है।